विधानसभा चुनाव में बिगुल बजने से पहले ही बिहार में पोस्टर वार शुरू होने वाला है। बिहार में ज्यादातर पार्टी कार्यालयों में पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान खींच रहा है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यालय के बाहर लगा बड़ा पोस्टर। आरजेडी के गठन के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर से पार्टी के संस्थापक और मुखिया लालू प्रसाद यादव नदारद है। पोस्टर में लालू की सत्ता के उत्तराधिकारी और पार्टी के नेता तेजस्वी यादव अकेले ही हैं। नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार के नारे वाला पोस्टर पीले रंग का है। इसमें तेजस्वी के पीछे बिहार का नक्शा है। तेजस्वी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वही पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पोस्टर से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उनका मानना है कि लालू प्रसाद यादव को समाज का हर तबका जानता है और उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती रही है। लालू का जेल से पुराना नाता है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में अपने ही परिवार के होनहार बेटा तेजस्वी यह करेगा इसकी वानगी लालू को ना थी। मालूम हो कि लालू ने जनता दल से अलग होकर 1997 में आरजेडी की स्थापना की थी और पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालू की कमी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखी। वह जेल में थे और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इससे पहले भी उनको कई बार जेल की हवा खानी पड़ी है। वो अब तक जेल में 375 दिन गुजार चुके हैं। उनके चुनाव लड़ने पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। दरअसल लालू प्रसाद पर चारा घोटाले को लेकर अलग अलग 6 केस चल रहे हैं। 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 37 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। अदालत ने मामले में लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद लालू यादव को रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद किया गया था, लेकिन दिसंबर 2013 में उनको कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद लालू यादव को रांची की बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया था। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।